ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज रिंकी सिंह। और आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो क्लास सिक्स का चैप्टर फाइव कंटिन्यू रहेगा आपका, जो कि प्रीवियस पार्ट में हमने पार्ट वन और पार्ट टू में ऑलरेडी काफ़ी कुछ टॉपिक इसके कंप्लीट करे थे। जिस चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, दैट मीन्स इस चैप्टर में हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में जान रहे थे कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा हमें चीज़ें प्राप्त होती है, चाहे किसी भी सोर्सेज द्वारा हमें जो चीज़ें प्राप्त होती है उसको सेपरेट करके ही इस्तेमाल में लाना क्यों ज़रूरी है, या कोई भी चीज़ें हैं अगर वो मिक्सचर हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है, तो उसको सेपरेट किस प्रकार से किया जाए, इन सारे मेथड के बारे में हम समझ रहे थे। हमने मैग्नेटिक सेपरेशन देखा था, हमने देखा था कि गेहूं से आटे बनने का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर किस किस सेपरेशन का आवश्यकता होती है, हमने फिल्ट्रेशन देखा था, ठीक है। ये बहुत सारे टॉपिक जो है हमने पार्ट वन और पार्ट टू में कंप्लीट किए थे, ये हमारा पार्ट थ्री है। इसके अंदर हम बाकी के फर्दर जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको कंप्लीट करेंगे और जानेंगे कि अगर सेपरेशन मिक्स किसी चीज़ में मिक्स हो चुकी है, दैट मीन्स अगर कोई चीज़ मिक्सचर है तो उसको किस प्रकार से सेपरेट किया जाए। मिक्सचर है का मतलब क्या है, दैट मीन्स सपोज कीजिए आपने सॉल्ट और वाटर दोनों को मिक्स किया है। अब आपने कभी सोचा है कि पानी से नमक को अलग किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। तो इसी सेपरेशन के बारे में हम जानेंगे कि मिजिबल या हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन क्लियर करेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक है हमारे, ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, डिस्टिलेशन की बात करते हैं। डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस होता है? डिस्टिलेशन के हम अंदर ही कंडेंसर का इस्तेमाल करके, देखिए डिस्टिलेशन के बिहाफ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताती हूँ। सपोज कीजिए कि कोई ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर आपको सॉल्ट और वाटर की मात्रा है। अब आपको सॉल्ट को अलग करना है और वाटर को अलग करना है, तो इसके अंदर आप क्या प्रोसेस करें? आप इसके अंदर डिस्टिलेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में होता क्या है, सपोज कीजिए हमने एक बर्नर लिया है, बर्नर दैट मीन्स आग के ऊपर हमने एक फ्लास्क रखा है, कोई भी फ्लास्क आप रख सकते हैं, ठीक है। इस फ्लास्क में क्या है, सॉल्यूशन है। इस फ्लास्क में हमने क्या रखा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिली होती है उसको सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए साधारण जीवन में हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं नींबू पानी, नमक का घोल, लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में, दैट मीन्स अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो हम इसको सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमने सॉल्यूशन कौन सा लिया है, हमने नमक और पानी का एक सॉल्यूशन लिया है। यहाँ पे नमक पानी का सॉल्यूशन है। अब हमें करना ये है कि नमक और पानी को अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको धीमी आँच में, दैट मीन्स बर्न करेंगे, जलाएंगे, धीरे धीरे बर्निंग होगी। और आपने अक्सर देखा होगा, देखिए एक सबसे पहले आपके साधारण किचन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसके बाद आपको समझना क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं या मिल्क बॉईल कर रहे हैं, कोई भी एक चीज़ आप बॉईल कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि कुछ समय तक बॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है, तब तक ठीक है, देन उसके बाद और बॉइलिंग के दौरान भी भाप निकलना शुरू होती है, वेपर निकलना शुरू होते हैं, वेपर देखते हैं आप। और अगर सपोज कीजिए कि आपने बॉइलिंग करने के दौरान उस चीज़ को कवर कर लिया, कवर कर दिया, इसमें सपोज कीजिए आपने कोई भी प्लेट रख के कवर कर लिया, और उस प्लेट को आप हटाएंगे कुछ समय के बाद तो उस पर पानी की कुछ बूंदें आपको नजर आएंगी, होता है ना पानी की बूंद, वो क्या है, वो है भाप, जो कि भाप बाहर की ओर नहीं जा पाई, क्यों, क्योंकि आपने उसके ऊपर प्लेट रखी थी। तो वही वाष्पीकरण यानी कि भाप द्वारा जो पानी ऊपर की ओर जाता है, और आप देखोगे कुछ समय के बाद अगर आपने प्लेट नहीं रखी है और आपने एक घंटे तक एक कंटेनर में पानी को बॉईल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आप देखोगे वो पानी बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। अच्छा पानी गया कहाँ आखिर, पानी वाष्पीकरण द्वारा भाप बनकर आसमान की ओर चला गया, ठीक है, यानी कि ऊपर की ओर हवा में, एटमोसफेयर में चला गया। तो यही होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे तो उसमें वाष्पीकरण द्वारा उसका पानी ऊपर की ओर आते जाएगा। और होगा क्या, देखिए यहाँ पर हमने बर्नल द्वारा यानी कि बर्न किया, जलाया, या इसके अंदर वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन था, पानी और नमक का सॉल्यूशन था, और पानी ऊपर की ओर भाप बन के जाते जा रहा है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन इधर लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे कुछ बनाना है, तो वी कैन कॉल हियर सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने एक कंडेंसर लिया है, कंडेंसर क्या काम करेगा, भाप को दूसरे कंटेनर में कंटेन करेगा, भाप द्वारा जो पानी एकत्रित हो रहा है उसको दूसरे कंटेनर में, दैट्स कॉल्ड कंडेंसर, कंडेंसर होगा ये, ठीक है, ध्यान रखना,
कंडेंसर क्या करेगा, दूसरे फ्लास्क में जो भाप द्वारा पानी ऊपर की ओर आते जा रहा है उसको दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो इस दौरान होगा ये कि नमक की मात्रा नीचे रह जाएगी और भाप द्वारा जो पानी ऊपर की ओर जाते जा रहा है वो दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा हो जाएगा। इसी को डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस इसी को कहा जाता है। डिस्टिलेशन में क्या होगा, हमने किसी भी चीज़ को, कोई भी सॉल्यूशन, इसको बर्न करेंगे। बर्न करने के दौरान भाप द्वारा जो उससे बॉइलिंग पॉइंट जब 100 हो जाता है, इस देखिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस डिग्री होता है, इसको याद रखना। जब बॉइलिंग पॉइंट 100 सेल्सियस डिग्री होगा तो वो वाष्पीकरण द्वारा दूसरे फ्लास्क में भाप सारी इधर जाती जाएगी और उसके साथ ही वो पानी जो है डिस्टिल वाटर कहलाएगा। तो ये आपका डिस्टिल वाटर बोल सकते हो, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को। नेक्स्ट हम देखते हैं सेपरेशन लिक्विड, सेपरेटिंग लिक्विड। अब लिक्विड को सेपरेट कैसे किया जाए, अब आप बोलोगे लिक्विड को क्यों सेपरेट करना है, कैसे होगा लिक्विड सेपरेट। लिक्विड को सेपरेट करने, देखिए हम सेपरेट किस चीज़ को करते हैं, जब वो चीज़ दो या दो से अधिक मिक्स होती है उसको ही हम सेपरेट करते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई भी घोल लिया है, नमक पानी का घोल ले लिया, या सपोज कीजिए कि ऑयल वाटर में गलती से चला गया, दैट मीन्स क्या है, पानी के अंदर हमने ऑयल डाल दिया। अब आपको इस दोनों को सेपरेट करना है तो आप क्या करेंगे, तो हर एक का सेपरेशन मौजूद है और हर एक का सेपरेशन आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हर एक चीज़ को कैसे सेपरेट किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिक्विड के सेपरेशन की बात कर रहे हैं कि लिक्विड को अलग कैसे किया जाए, लिक्विड को कैसे सेपरेट किया जाए। तो दो प्रकार के लिक्विड होते हैं, वन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, ध्यान रखना है मैं क्या बोल रही हूँ, दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं ये, आपकी 9th और 10th दोनों ही क्लास में ये चीज़ें रिपीट होती है, तो इसको अगर आप अभी अच्छे से समझ लें तो आपको डाउट नहीं होगा। होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये मैं मिक्सचर का नाम बोल रही हूँ, होमोजीनियस मिक्सचर, एंड देन फर्दर इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है वो मिक्सचर जिसमें ऐसे दो सब्सटेंस है जो कि आपस में पूरी तरीके से घुल चुके हैं, वो मिक्सचर जो कि आपस में पूरी तरीके से घुल चुके हैं, अब आप सोच भी नहीं सकते कि वो अलग हो सकते हैं, ऐसे मिक्सचर। अब ऐसे कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, ऐसे जैसे कि पानी में शुगर का डालना, वाटर में शुगर सॉल्यूशन आप डाल देंगे तो क्या होगा, पानी और चीनी घुल जाएगा, पानी में नमक डाल देंगे तो पानी और नमक घुल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि आपस में दोनों प्रकार से घुल जाते हैं, दैट्स कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और वो सब्सटेंस जो कि घुलते हैं वो मिजिबल कहलाते हैं, मिजिबल का मतलब वो होता है कि आपस में दोनों का घुल जाना, दैट्स कॉल्ड मिजिबल। जो आपस में नहीं घुल सकते दैट्स कॉल्ड इमिजिबल, ध्यान रखना मिजिबल क्या है, मिजिबल का मतलब है वो सब्सटेंस जो कि लिक्विड में घुल जाते हैं, या वो दो सब्सटेंस जो आपस में एक दूसरे में घुल जाते हैं अच्छी तरीके से, दैट्स कॉल्ड मिजिबल, ठीक है। जैसे नींबू पानी हो गया, नमक का पानी हो गया, शुगर वाटर हो गया, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ें पानी में नहीं, सॉरी लिक्विड, आप माने कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, एक्स वाई जेड लिक्विड, ठीक है, ऐसी सब्सटेंस जो कि एक दूसरे में नहीं घुल पाते, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इमिजिबल सब्सटेंस या इमिजिबल। कौन कौन से होंगे, जैसे अगर मैं पानी में चौक डालती हूँ, पानी में रेत डालती हूँ तो घुलेगा नहीं, पानी में मैंने तेल डाल दिया तो वो घुलेगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार के सब्सटेंस जो वाटर में या किसी भी लिक्विड में नहीं घुल पाते, दैट्स कॉल्ड इमिजिबल, जो घुल जाते हैं वो मिजिबल। और वो मिक्सचर जो कहलाता है वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है, जो सब्सटेंस आपस में एक दूसरे में अच्छी तरीके से घुल जाएंगे वो मिजिबल कहलाएंगे, और उन्हीं को होमोजेनियस मिक्सचर भी कहा जाएगा, जो आपस में घुल जाते हैं उन्हीं को होमोजेनियस मिक्सचर भी कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो आपस में नहीं घुल पाते वो इमिजिबल कहलाते हैं, और उस मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आई होप इट्स क्लियर, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, आपके डाउट्स क्लियर ऑनलाइन क्लास में कर दिए जाएंगे। यहाँ तक हमने समझ लिया, अब बात आती है कि इनको आखिर सेपरेट कैसे किया जाए, इनका सेपरेशन देख लेते हैं कि इनको सेपरेट कैसे करें। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, सेपरेट कैसे करें इन दोनों को, इन दोनों को सेपरेट करने का तरीका अलग अलग है। देखिए इन दोनों को आप, इसको तो आप डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने रिसेंट में पढ़ा। डिस्टिलेशन में क्या होगा, हमने यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन लेना है, मिजिबल सॉल्यूशन लेना है। मिजिबल सॉल्यूशन का मतलब वो क्या होता है कि जो दो चीज़ें आपस में घुल जाती है, तो हम सॉल्ट
और वाटर का सॉल्यूशन ले सकते हैं या आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो सॉल्ट और शुगर, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन आप लेंगे यानी कि जिसमें पानी और नमक दोनों हैं, तो इस इसके लिए हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्टिलेशन में हमने क्या देखा, डिस्टिलेशन में अभी हमने पढ़ा कि हम एक फ्लास्क को उसके अंदर सॉल्यूशन रखेंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने के दौरान हम उसके अंदर एक कंडेंसर डालेंगे। कंडेंसर क्या करेगा, भाप द्वारा जितना भी पानी है वो दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा करेगा और नमक को उसी के अंदर छोड़ देगा। तो यही आप प्रोसेस मिजिबल सब्सटेंस में ले सकते हैं, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है इसलिए मैं डिटेलिंग में नहीं जा रही हूँ, उसके रिसेंट में हमने डिस्टिलेशन क्लियर किया है। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर जो आपस में नहीं घुलते। अब इन दोनों को कैसे अलग किया जाए, ये आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा, जिसके अंदर हमने ये देखा है कि पानी में अगर ऑयल मिक्स हो जाता है तो उन दोनों को कैसे अलग करें। पानी में ऑयल यानी पानी में अगर तेल चला जाता है तो उसको कैसे अलग करें, तो हमें करना ये होता है, सपोज कि ये आपका कंटेनर है कोई, इस कंटेनर में हमने क्या लिया है, वाटर एंड ऊपर है ऑयल। अब आपको पता है ऑयल ऊपर क्यों है, ऑयल ऊपर इसलिए है क्योंकि ऑयल जो है पानी से हल्का होता है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो ये ऑयल कहाँ रहेगा, ऊपर की ओर रहेगा, और वाटर कहाँ रहेगा, नीचे की ओर होगा। हमें करना ये है कि ड्रिप 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 द्वारा यानी कि छोटा सा इसमें छेद करना है, या आप एक फ्लास्क, ऐसा ही फ्लास्क इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि आप नीचे थोड़ा दूसरा कंटेनर रख देंगे और इसके अंदर आप ये देखेंगे कि पानी की मात्रा धीरे धीरे ड्रिप ड्रिप द्वारा यानी कि एक एक बूंद करके थोड़ा थोड़ा करके नीचे की ओर आ रही है। और जब ये पानी ऐसे नीचे नीचे आते जाएगा और ये ऑयल यहाँ तक पहुँच जाएगा तो हम इस फ्लास्क को बंद कर देंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि पानी इसके अंदर आ चुका है और ऑयल इसी कंटेनर के अंदर स्टोर हो गया है। तो इस तरीके से आप इमिजिबल सब्सटेंस को यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर को, पानी और वाटर को, सॉरी वाटर और ऑयल को अलग कर सकते हैं, ये आपका प्रोसेस है। आई होप इट्स क्लियर। इसमें हमने क्या किया, हमने एक ऐसा कंटेनर लिया जिसके अंदर हमने नीचे से क्या किया, होल किया। एक होल करने के बाद हमने देखा कि पानी की मात्रा नीचे से नीचे की ओर आती जा रही है और ऑयल ऊपर की ओर है। जब आपने देखा कि ऑयल की मात्रा यहाँ तक आ चुकी है तो हमने इस फ्लास्क को बंद कर दिया, क्योंकि हमें ऑयल तो नहीं चाहिए, हमें पानी पानी चाहिए, पानी इकट्ठा इसमें हो चुका है और इसमें क्या बचा, ऑयल ऑयल बचा। तो इस दौरान हम ये समझ सकते हैं कि हम इमिजिबल सब्सटेंस को किस प्रकार से अलग करें। नेक्स्ट है आपका सेपरेटिंग मिजिबल लिक्विड। अब मिजिबल लिक्विड को कैसे अलग किया जाए, ठीक है। देखिए बहुत से मेथड होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड होते हैं मिजिबल लिक्विड को अलग करने के लिए। हम इवोपरेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये आती है इसी के टॉपिक के अंदर जो है, सॉल्यूशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। कोई भी सॉल्यूशन को अलग करने के लिए हम एक से अधिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो सब्सटेंस भी एक से अधिक हो। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी इसका मतलब समझाते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक्स आपके बुक के ही अकॉर्डिंग है, कोई डाउट नहीं रखना है। आप वीडियो देखते समय बुक सामने रख के बैठे ताकि आपको पता रहे कि हम कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं, और उसको रीड भी करें तो आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर रहेंगी ये चीज़ें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस उसमें मौजूद है, उस सॉल्यूशन को कैसे अलग करें, किस प्रकार से अलग करें। तो हमने कौन कौन सा ले लिया, सपोज कीजिए हमने लिया वाटर, सॉल्ट, देखिए मैं कौन कौन सी चीज़ें ले रही हूँ, आयरन, ठीक है, ये आपकी बुक के ही अकॉर्डिंग ये मैं रेडी कर रही हूँ तो ध्यान रखना, वाटर, सॉल्ट, आयरन और सैंड, ठीक है। हमने सारी चीज़ें ले ली। अब सपोज कीजिए सारी चीज़ें एक ही सॉल्यूशन में, क्योंकि वाटर है तो लिक्विड फॉर्म तो आ ही गया, तो लिक्विड इसी लिक्विड में सारी चीज़ें क्या हो चुकी है, घुल चुकी है। अब इनको कैसे अलग करें, इतनी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, तो हम इसको अलग करने के लिए बहुत ही सिंपल, देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में फिल्ट्रेशन समझा था। फिल्ट्रेशन में हमने क्या देखा, आप एक साधारण सूती कपड़ा या फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करें तो आप ऐसी चीज़ों को अलग कर सकते हैं जो कि इमिजिबल है। इमिजिबल का मतलब क्या है, जो कि घुलन, जो कि नहीं घुली है उसके अंदर, जैसे चाय की पत्ती,
चाय की पत्ती एक बहुत ही साधारण बहुत अच्छा एग्जांपल है। चाय की पत्ती, चाय की पत्ती का रस पूरा चाय में आता है, लेकिन चाय की पत्ती तो नहीं घुलती है ना, तो हम चाय की पत्ती को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल ही करते हैं एक प्रकार के। जो छन्नी है वो छन्नी फिल्ट्रेशन का ही वर्क करती है। तो हम क्या करेंगे कि चारों चीज़ें एक ही सॉल्यूशन में मिक्स है, तो हमें करना क्या है कि आप पहले फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या होगा, आपने एक क्या लिया, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, आपने एक कंटेनर लिया, कंटेनर के ऊपर फिल्टर पेपर डाला। क्या डाला यहाँ पे, फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर या सूती कपड़ा, दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हो। फिल्टर पेपर को आपने डाला है। अब आपने क्या किया, वो जो सॉल्यूशन था, वो जो सॉल्यूशन रेडी था, किस किस चीज का सॉल्यूशन था, वो सॉल्यूशन था हमारा वाटर, सॉल्ट, आयरन, सैंड, ठीक है, ये सारी चीज का सॉल्यूशन था। जब हमने सॉल्यूशन को इसमें डाला तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें सस्पेंड हो जाएगी, कौन कौन सी चीजें रुक जाएगी इसमें, इसमें रुक जाएगी सैंड और आयरन। सैंड और आयरन घुलनशील नहीं होती, तो ये इस कपड़े के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएगी, स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हमने देखा कि ये और ये तो अलग हो गई, इसमें क्या हो गया, ये और ये दोनों चीजें अलग हो गई, क्योंकि ये इसके ऊपर रुक चुकी है, फिल्टर पेपर के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये दोनों चीजें तो आपस में मिक्स हो रखी है, ये दोनों चीजें क्या हो रखी है, मिक्स हो रखी है। इन दोनों के मिक्सर के लिए क्या करें, इन दोनों ये जो मिक्स है उसके लिए, मिक्सचर जो रेडी है उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमें करना ये है कि हम इसमें मैग्नेटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। हमने क्या किया था, मैग्नेटिक सेपरेशन में हमने देखा था कि किसी भी मैग्नेट का इस्तेमाल करके हम लोहे की चीज को अलग कर सकते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आप एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के लिए आपने छोटी 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 कील रख दी, तो कील को वो अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि वो आयरन है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जब सैंड यानी कि रेत और आयरन का सॉल्यूशन होगा तो हम मैग्नेटिंग सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सपोज कीजिए इसके अंदर रेत भी मौजूद है और इसके अंदर आयरन की मात्रा भी मौजूद है, तो हम जब मैग्नेट का इस्तेमाल करेंगे तो आयरन आयरन जो है वो मैग्नेट अपने पास ले लेगा। तो इस दौरान हमने क्या किया, सैंड और आयरन को दोनों को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये आपने एक हो गया आपका। अब हमारी बात आती है कि सॉल्ट और वाटर तो अभी भी दोनों में मिक्स है, तो सॉल्ट और वाटर को अलग करने का बहुत ही साधारण सा जो सेपरेशन है वो क्या है, डिस्टिलेशन। अभी हमने देखा था डिस्टिलेशन, तो हम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करके सॉल्ट और वाटर को भी अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम चारों चीजें जो कि एक सॉल्यूशन में मौजूद थी उसको अलग कर सकते हैं। वाटर को अलग कर दिया, सैंड को अलग कर दिया, आयरन को अलग कर दिया और सैंड को अलग कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने सारे बहुत सारे जो सब्सटेंस होती है एक सॉल्यूशन में उसको अलग अलग मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी गई है, बहुत से लिक्विड जो सारी चीज़ों को सब्सटेंस को घोल नहीं सकते, बट वाटर के अंदर एक इतनी अच्छी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होती है जो कि वो आसानी से कई चीज़ों को अपने अंदर घोल सकता है, बहुत अच्छी मात्रा में घोल सकता है, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। अब सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, देखिए हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ें होती है, सॉल्यूशन के अंदर दो या दो से अधिक सब्सटेंस होता है, ठीक है। देखिए एक चीज़ को ध्यान रखना, जो मैं चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ, जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है, देखिए अब आपने एक गिलास पानी लिया है, अब आपको इसको सिकंजी या आपको सॉल्यूशन बनाना है या पीने के लिए चीनी घोल बनाना है, तो क्या आपने एक गिलास पानी लिया है तो आप एक गिलास चीनी लेंगे, उसके अंदर शुगर एक गिलास लेंगे, नहीं, शुगर कितनी लेंगे, 1 स्पून या 2 स्पून, जितनी आपको ठीक लगती है। तो वो सब्सटेंस जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। पानी के अंदर चीनी का घुलना यानी पानी सॉल्वेंट है, ठीक है। सपोज कीजिए दूध के अंदर, मिल्क के अंदर चीनी का घुलना, तो मिल्क क्या है, ज़्यादा मात्रा में है तो क्या है, सॉल्वेंट है। जो भी सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा मात्रा में चीज़ें होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है, और जो कम मात्रा में होती है वो सॉल्यूट कहलाती है। तो अगर मैं यहाँ पर एक घोल बनाती हूँ किसका, शुगर वाटर का, ठीक है, हमने शुगर का
और वाटर का एक सॉल्यूशन बनाया है। इसके अंदर शुगर क्या है, हमने जो चीज डाली है, शुगर जो डाला है वो आपका सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट। और जो इसके अंदर पानी की मौजूदगी है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो ध्यान रखना, जो चीजें ज्यादा मात्रा में होती है वो सॉल्वेंट, और जो चीजें कम मात्रा में डलती है वो सॉल्यूट कहलाती है। और जो इन दोनों से जो चीज रेडी होती है उसको ही सॉल्यूशन कहते हैं। जो इन दोनों चीजों से जो एक चीज रेडी होती है उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई डाउट होता है, किसी वर्ड को समझने में आपको दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बोलिए, आपके ऑनलाइन क्लासेस में इस डाउट को क्लियर किया जाएगा। आई होप इट्स क्लियर, आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।